तो ये प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम को एक माध्यम बनाया अपना श्रद्धांजलि देने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? उनको मैं बहुत करीब से जानती थी और नैनीता जी को भी बहुत अच्छे से जानती थी। अब क्या बोलूँ, इतना शॉकिंग रहा है, सुबह उठे तो पहली खबर वो, तो मुझे यही लगा था कि इट वॉज़ टू अर्ली फॉर सच अ नाइस पर्सन फॉर सो मच टैलेंट। पर एक तरफ से तसल्ली हुई कि जिनको जाना था वो तकलीफ में नहीं गए, यही एक है, पर टू अर्ली, अफसोस तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ओमपुरी जी से मेरी मुलाकात आई थिंक 2-3 बार हुई है, एक तो बार स्टोरी के ऊपर डिस्कशन हुआ है। ओमपुरी साहब, मुझे, मैं ऐसा कहूँगा, हमारी इंडस्ट्री ने एक टैलेंट और खो दिया आज, लाइक रियली फील्स बैड, यू नो। मैं सुबह उठा तो फ़ोन पे देखा, सबसे पहले वही चीज़ फेल बैड कि यार एक बहुत बड़ा टैलेंट चला गया, शायद मैं उनके साथ कभी एक काम करना चाहता था, वो चांस मैंने गवा दिया, यू नो। जस्ट ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार के साथ पूरी सिंपथीज हैं, पूरी इंडस्ट्री साथ में खड़ी हुई है। मैम, दर्शक प्रियंका मैम को कोई कैमियो रोल में देख पाएंगे, क्योंकि वेंटिलेटर में भी थोड़े बहुत थी, तो इस ये मूवी में भी देख पाएंगे? इसमें पॉसिबल नहीं हुआ, हमारे शूटिंग ऐसे टाइम पे हुआ जब प्रियंका फारिक नहीं थी, फ्री नहीं थी, पर उसने हमारा ट्रेलर लॉन्च को किक ऑफ किया टोरंटो में, अमरिंदर जी और प्रियंका मिलकर, और वो हमारी मेकिंग में थोड़ी सी नज़र आएंगी हमारी फिल्म में ज़रूर, पर जो किक ऑफ किया उसने वो बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया था वहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जैसे हमारी रिसेप्शन हुई कनाडा में, हमारी यानी कि प्रियंका और अमरिंदर जी का, तो दोनों दो दिग्गज वहाँ खड़े थे, तो इट वाज रियली हैवी वेट। और अभी भी मैं कह रही, इस फिल्म में हमारे 5 हैवी वेट्स हैं, तो फिल्म का प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया, बहुत लार्ज होगा। जब आप थिएटर में देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये फिल्म में कितना कुछ गया है। नमक। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू। एक ही हफ्ता बचा है, तो क्या कहना चाहिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत बढ़िया कर रही हूँ, बहुत एक्साइटिंग भी लग रहा है, और आपने कह दिया कि ट्रेलर का रिस्पांस अच्छा है, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिन तक हम पहुँचना चाह रहे हैं उन तक हम पहुँच पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग फिल्म देखेंगे तो इसका कोई वो 100 गुना बेटर है। गेटिंग गूज़बम्प्स। एक हफ्ता बाकी रह गया है, एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, सब चीज़ें हैं। मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंकफुली अकबर आंटी, इनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ में रही है, और बाकी बाबा जी की कृपा, आंटी की तरफ से इतना सपोर्ट मिला, मतलब मुझे लगा नहीं कि मेरी डेब्यू फिल्म है, कि ऐसा लगा नहीं कि मेरी डेब्यू फिल्म है, मेरे को वैसा ट्रीटमेंट हो रहा है या एक नर्वस हूँ। मेरे को हमेशा इन लोगों ने हमेशा कॉन्फिडेंस दिया कि गो एंड डू इट, गो एंड डू इट, गो एंड डू इट। दे ऑलवेज केप्ट मी ऑन द हैंड, यू नो, कि ना यू गो एंड टेक द डिसीजन एंड ऑल। आई एम लकी टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस। फिलहाल प्रियंका का यही मंशा थी कि वो रीजनल फिल्म्स को इम्पोर्टेंस दे। हमारी सबसे पहली फिल्म थी भोजपुरी की, जो अपने रीजन में ही बहुत बढ़िया डिड वेरी वेल। मराठी तो खैर वेंटिलेटर एवरीबडी नोज की बहुत ही उम्दा फिल्म भी थी, और किया भी उसने बढ़िया फिल्म। अब पंजाबी भी उसी स्तर का ही है, उसी स्टैंडर्ड का है, और मैं समझती हूँ कि आप लोग उतना ही अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही अच्छा लगेगा। पर फिलहाल हम लोग रीजनल को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि उनका इंटीग्रेशन हम अपने कंट्री में सब देखें, हर रीजन की खूबसूरती रीजनल लैंग्वेज में ही, और वहीं के आर्टिस्ट को हम पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं। प्रियंका के रहते हमें ये प्लेटफॉर्म तो ज़रूर मिल रहा है कि इंटरनेशनली भी पहुंच हो गई हमारी, तो दिस इज़ व्हाट वी ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट टेक द मोस्ट। सर, मैम की तरफ से एज अ प्रोड्यूसर ऐसा कुछ इंटरफेरेंस था क्या, इतना ही बजट रहना चाहिए या टाइम पे हो जाना था, ऐसा कुछ? आंटी बोल रहे अभी, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को इतना सपोर्ट मिला है, मैंने अभी भी पहले भी बोला, इतना सपोर्ट मिला है कि मुझे लगा ही नहीं कि हम प्रोडक्शन हाउस और एक डायरेक्टर आपस में डील कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। इट ऑलवेज लाइक अ फैमिली, सो आई गेस शी हैज़ गिवन मी फुल फ्रीडम टू डू व्हाटएवर, यू नो, व्हाटएवर आई वांट, द वे आई वांट, नो इंटरफेरेंस, आई डोंट थिंक सो एनी इंटरफेरेंस हैपेंड। ये अपनापन जो इन लोगों ने ला के दिखा दिया मुझे, तो एज ए प्रोड्यूसर आई वॉज वेरी हैप्पी, और मुझे ज़्यादा कुछ दखल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सेट पर जाती थी तो खाली एंजॉय करती थी। अमरिंदर पाजी, ही इज़ नॉट जस्ट अ सुपर स्टार, इज़ अ मेगा स्टार आई गेस, यू नो।
आप उनके साथ कभी मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि सर, एक इंडिया के अंदर एक रजनीकांत हैं जिनको हम रजनी अन्ना बुलाते हैं, आप पंजाब के रजनी अन्ना हैं एक्चुअली। एवरी वन जस्ट लव हिम, जस्ट लव हिम, क्योंकि इस पर अपनी मिट्टी की खुशबू थी पहली बार। कुछ भी जो टिपिकल पंजाबी से हम लोग सोचते हैं अर्बन जगह में रह के, बॉम्बे दिल्ली के पंजाबी वो हैं, ये कहानी में वो बात नहीं थी। ये कहानी अपनी मिट्टी से जुड़ी, अपने जड़ों से जुड़ी। थैंक यू, थैंक यू।